आज इस वीडियो में और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है हिमालय कंपनी की लीव 52DS टैबलेट। तो लीव 52DS टैबलेट क्या है, इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल किन किन रोगों में किया जाता है, इसको किस प्रमाण में आपको लेना चाहिए, कितने दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। हिमालय कंपनी की लीव 52DS टैबलेट जो है, यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन क्या होता है, इस मेडिसिन के बारे में किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है। जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनियां रहती हैं वो इस मेडिसिन पे रिसर्च करती हैं, इंग्रेडिएंट्स हर्बल ही रहते हैं लेकिन रिसर्च करती हैं और इसका टेस्ट करती हैं, फिर इस मेडिसिन का लाइसेंस लेती हैं, पेटेंट करवाती हैं अपने नाम पे। तो इसीलिए इसको प्रोप्रिएटरी मेडिसिन बोला जाता है। इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया है हिमालय फार्मास्यूटिकल बेंगलोर वालों ने। तो लीव 52DS टैबलेट जो है, ये इसको हेपेटो प्रोटेक्टिव रेमेडी बोला जाता है। हेपेटो प्रोटेक्टिव मींस जो आपके लीवर की प्रोटेक्शन करता हो। इसको लीवर डिजीज़, जो भी लीवर संबंधित रोग रहते हैं उसमें दिया जाता है और ये लीवर के जो फंक्शंस हैं उसको अच्छा करने में मददगार रहता है। ये मेडिसिन क्या करता है, आपके लीवर में जितनी भी टॉक्सिन्स रहती हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है और जिन लोगों का मदिरा कर पी पी के अल्कोहल पी के लीवर जो ख़राब हो जाता है तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहता है। तो आइए जानते हैं हिमालय लीव 52DS में प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं जिस वजह से इतना अच्छा काम करता है। तो इसके अंदर देखिए रहता है हिमसरा, जिसका कि बोटानिकल नेम है कैपरिस स्पाइनोसा, और रहता है इसमें कासना चिचोरियम एंटीबस, और इसमें रहता है मंडूर भस्म, और इसमें रहता है काकामाची, बोटानिकल नेम होता है सोलानम निग्रम, और इसमें रहता है अर्जुना, बोटानिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, कासमर्दा एकेसिया ऑक्सीडेंटलिस, और इसमें रहता है बिरंजसुपा एचिलिया मिलीफोलियम, और इसमें रहता है जावका टैमेरिक्स गैलिका। तो ये सब रहते हैं की इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, जिसके कारण ये इतना इफ़ेक्टिव रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है या फिर इसके इंडिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर जनरली ये लिख के देते हैं ताकि उनकी भूख बढ़े, और जिन लोगों के पाचन तंत्र, जो खाना खाया हुआ है लेकिन पचता नहीं है, तो ऐसे रोगियों को भी डॉक्टर जनरली इस टॉनिक को लिख के देते हैं। और तीसरा कंडीशन है जिन लोगों को लीवर डैमेज है, लीवर प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, चाहे वो फैटी लीवर है। फैटी लीवर देखिए, जो मदिरा का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, उनको भी होता है, जो लोग मदिरा दारू का सेवन नहीं करते हैं उनको भी होता है। तो दोनों तरीके के फैटी लीवर्स को कम करने में ये मददगार रहता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर हो या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो। और जैसा मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था, सिरोसिस ऑफ लीवर जो स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि लीवर इन्फ्लेमेशन होना, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लीवर फेलियर, ऐसी कंडीशंस में भी इस दवाई को दिया जाता है। अगला केस है, यदि आपको जॉन्डिस की समस्या है तो दिया जाता है। यदि आपको हेपेटाइटिस ए बी या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शंस है कि लीवर पर असर डालते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे केसेस में इसको दिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए या डॉक्टर आपको लेने को बोलते हैं। यहाँ मैं अडल्ट डोसेज की बात करने वाला हूँ, जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, लेकिन जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है। तो देखिए, ऐसे लोगों में डॉक्टर इसको एक गोली दिन में दो बार लेने को बोलते हैं, खाना खाने के बाद में और नॉर्मल पानी के साथ। उदाहरण के तौर पर एक गोली आप सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, एक गोली आप रात को खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इस मेडिसिन को लेने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। कितने समय तक इस मेडिसिन को यूज़ करना है,
देखिए, जो कुछ क्रॉनिक कंडीशंस रहती हैं उसमें 2 से 3 महीने के लिए डॉक्टर लेने को बोलते हैं, या फिर आपकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से या फिर आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसको लेने पर क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर तो ये मेडिसिन कोई इतना साइड इफ़ेक्ट देता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, कुछ लोगों को उल्टी आने जैसा हो जाता है। अब हम बात करेंगे किन लोगों को इस दवा को नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला है जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है, उन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ब्लॉकेज को रिमूव करने में हेल्प नहीं करती है। जो बाइल डक्ट्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, उसमें यह मददगार नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को यह नहीं देना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं इसका मूल्य कितना होने वाला है मार्केट में। तो LEAF 52 DS हिमालय कंपनी की आपको ये मार्केट में पड़ने वाली है 190 रुपये में 60 गोलियां। सो 3.16 रुपये में आपको ये एक गोली लगभग मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर या फिर आयुर्वेदिक फार्मेसी में खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लोग इस मेडिसिन के बारे में पूछते हैं। तो लोग अक्सर पूछते हैं, सर LEAF 52 में और LEAF 52 DS में क्या अंतर रहता है। तो आइए उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, LEAF 52 और LEAF 52 DS में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं दोनों सेम ही रहते हैं। जो मेन डिफरेंस रहता है वो है इसके डोसेज का। तो देखिए, LEAF 52 DS जो है उसकी 2 गोलियां, उसका MG जो रहता है वो है 900 MG, और वहीं पे प्लेन LEAF 52 जो गोली है उसके 2 टैबलेट का डोसेज रहता है 600 MG। तो 300 MG का यहाँ पर फ़र्क दिख जाता है। बाकी इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं, वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ LEAF 52 DS के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपके मन में वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।